लोगों से इसकी राय जानेंगे कि ये ब्लैकआउट क्यों किया जा रहा है और क्या ये सही है वेंडर्स के लिए या वेंडर्स के खिलाफ है। आइए जानते हैं। सर आपका नाम? देवेंद्र सिंह चौहान। सर आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? मैं तो यहाँ से कुछ 30 साल से रहता हूँ। तो सर जैसे कि आपको पता है यहाँ ब्लैकआउट किया जा रहा है, जो ब्लैकआउट आप क्या देखते हैं कि ब्लैकआउट ये वेंडर्स के लिए हक में है या कुछ ये उनको उनके हक में नहीं है? नहीं भी होगा फिर भी ये बैन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो जगह नहीं है। उनको गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट उनको अलग सेपरेट जगह दे दें, लेकिन दुकानदारों का भी नुकसान होगा। और जो सेक्टर 17 की ब्यूटी आप देखिए कितनी बुरी हालत है, जगह जगह ये लोग फैले हुए हैं, गलती चाहिए हुई इन्होंने। तो ये तो सेक्टर 17 बेसिकली हार्ट ऑफ सिटी है, तो यहाँ पर हम उनके अगेंस्ट नहीं है, उनके पेट पर लात मारने के लिए नहीं बोल रहे। उनको एक पर्टिकुलर जगह दे दें जहाँ वो बैठे, मतलब इस तरीके से बैठना जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लाइसेंस भी बनाए गए हैं ताकि, तो इसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं? लाइसेंस बने ठीक है, लाइसेंस उनके हम निरस्त करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको इस जगह से शिफ्ट करना ही चाहिए। और ये बहुत देर हो चुकी है, मतलब ये बहुत बार हाईकोर्ट ने भी इनको मैनेजमेंट को लताड़ा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, पता नहीं इसमें पुलिस की और एमसी की नेक्सस है क्या है। ये यहाँ से जगह छोड़ नहीं रही, पब्लिक भी परेशान है और दुकानदार तो परेशान नहीं है। जिन्होंने शोरूम किए हुए कोई 10 लाख किराया दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? और आप देखिए हुड़दंग भी करते हैं ये लोग। लेकिन वेंडर्स का कहना है कि सर हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, हमें हमें हमारी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन अगर हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर ऐसे पब्लिक आएगी नहीं या फिर हमारी वहाँ कमाई नहीं होगी, तो हमारा ऐसा विचार कैसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये उनको जरूर लगता है, जरूर मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये मतलब टाइमिंग होगा क्योंकि जो जो क्लाइंट है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत दूर देंगे, इनको आप कहीं जगह सामने ग्राउंड है वहाँ पर इनको पर्टिकुलर जगह दे दें, लेकिन यहाँ पर इनका रहना जो है वो ठीक नहीं है किसी भी एंगल से। मैं नहीं समझता हूँ ठीक है, आप देखिए कोई भी अगर आउटसाइडर बाहर से आता है, कोई एनआरआई आता है या और भी आता है, तो क्या इंप्रेशन लेता है कि ये सेक्टर 17 ये है, इसको मेरे हिसाब से इसको इमीडिएटली इंस्पेक्शन। प्रवीण कुमार वाली, देखिए इसकी जो राय है कि ये चंडीगढ़ को कहते हैं द सिटी ब्यूटी, इसको क्यों कहते हैं कि सब चीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज वे से बनी और ऑर्गेनाइज वे से चल रही है। और यहाँ पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि जो सेक्टर 17 है, जो हार्ट ऑफ सिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको जिस तरह ये पड़ी वाले रेडी वाले इन्होंने इसको यूज़ किया है, मैं यूज़ नहीं कहूँगा मिस यूज़ किया, और यहाँ आने में भी हमें दिक्कत होती है, और ये एक बैड स्पॉट है चंडीगढ़ के लिए। और मेरी यही राय है कि इनको यहाँ से उठा के कहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।